हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल कर के आ रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। तो दोस्तों मैं रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अगर कुछ न्यूज़ आती है तो वीडियो बना के आपके साथ पेश करता हूँ। मुझे पता है दोस्तों कि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में ऊपर के लेवल में माल लेके फंसे हुए हैं। तो मुझे अक्सर कमेंट में पूछा करते हैं कि सर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का अपडेट दो। तो आज भी एक बढ़िया न्यूज़ निकल करके आ रही है, पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। तो वही न्यूज़ के बारे में आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज भी करिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने देखे सैटरडे संडे, मतलब की बात करूँ कि फ्राइडे सैटरडे में, तो यहाँ मैंने येस बैंक, रूट मोबाइल और लिखिता जो कि यहाँ पे नए अभी रिसेंटली IPL हो चुके हैं उसके ऊपर, भारतीय एयरटेल के ऊपर, IDBI बैंक और वोडाफोन आइडिया के ऊपर वीडियो डाले हैं। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके। बढ़िया न्यूज़ है, लेवल टारगेट मैंने डिस्कशन किए हैं, जो कोई भी यहाँ पे इस वीडियो को देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक अपने आप में, जो भारतीय एयरटेल की खास करके बात करूँ, तो बहुत बढ़िया लेवल पे है, बाइंग करने का बढ़िया मौका है। तो सब यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया है। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि ये सब वीडियो भी आप यहाँ पे देखो। अभी बात कर लेते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। तो यहाँ पे फ्राइडे को देखे दोस्तों कि बढ़िया बाउंस बैक के साथ यहाँ पे बंद हुआ था। देखिए आप दोस्तों लास्ट की 15 मिनट में बढ़िया सा बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिला था। 152 रुपये के आसपास क्लोजिंग थी, 50 पैसे ऊपर था, 0.33% की तेजी के साथ यहाँ पे बंद हुआ था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो पहले अभी हम यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे जाके कारोबार की क्या डिटेल है वो जानने की कोशिश कर लेते हैं। उसके बाद मैं सीधा लेके चलूंगा यहाँ पे वो न्यूज़ पे और न्यूज़ को समराइज करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रह सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको NSE की वेबसाइट पर लेके आया हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सर्च करके रखा है, यहाँ पे 152 रुपये के आसपास क्लोजिंग, 0.33% की तेजी यहाँ पे दिखाई दी थी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें दोस्तों तो 151.50 रुपये, ओपन होता है 152.45 रुपये के आसपास, हाई बना था 153.70 रुपये और 149 रुपये के आसपास का लो है, और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 151.15 पैसे। तो दोस्तों रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई थी, इतनी खास ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे नहीं दिखाई दी थी। अभी हम कारोबार भी चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कारोबार मैंने निकल करके रखा है, यहाँ पे देख सकते हो 83,94,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 10,33,000 शेयर की डिलीवरी, डिलीवरेबल परसेंटेज हालांकि बहुत ज़्यादा कम है, 12.32 का डिलीवरी परसेंटेज है। तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा इंकरेजिंग यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज नहीं है। अभी हम चलेंगे वो न्यूज़ पे और न्यूज़ क्या निकल करके आ रही है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सेल्स मोर स्टेक इन ऑक नॉर्थ फॉर RS 220 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लगातार ऑक नॉर्थ में जो उसकी होल्डिंग है उसको लगातार बेच रहा है। अभी एक और स्टेक बेचा है जो कि 220 करोड़ रुपए के आसपास है। तो पूरी न्यूज इसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे लाना चाहूंगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ऑन फ्राइडे सेड इट हैज सोल्ड अ पोर्शन ऑफ इट्स स्टेक इन ऑक नॉर्थ होल्डिंग द पेरेंट कंपनी ऑफ द ऑक नॉर्थ बैंक, जो कि मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ, फॉर द 220 करोड़। द यूके लेंडर हैज ग्रेजुअली सेलिंग इट्स स्टेक इन यूके बेस्ड बैंक ट्यू। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें तो लगातार वो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेच रही है, क्योंकि उसको कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के जो लोन है काफी जगह फंस चुके हैं, काफी लोन मोरेटोरियम पीरियड के अंडर भी है। तो यहाँ पे उसको अभी बिजनेस ग्रो करने के लिए कंटिन्यूसली यहाँ पे कैपिटल की जरूरत है। मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ कि कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो उसको ही सुधारने के लिए यहाँ पे वो लगातार हिस्सेदारी बेच रही है, और यहाँ पे और एक हिस्सेदारी बेची है 220 करोड़ रुपए में। तो और आगे पढ़ना चाहूंगा, इन पास्ट कपल ऑफ मंथ यहाँ पे जैसे मैंने बताया वही बोल रहा है, इट हैड सोल्ड पार्ट ऑफ इट्स स्टेक इन ऑक नॉर्थ बैंक टू US बेस्ड रिवा कैपिटल, जो कि इसके बारे में आपको वीडियो बना के बताया था, पार्टनर फॉर अबाउट 441 करोड़। और उसके बाद TEMF फंड मैनेज बाय द टोस्का फंड एसेट मैनेजमेंट फॉर द अराउंड 630 करोड़। तो 441 करोड़ का भी इसके पहले टेक बेचा, उसके पहले 630 करोड़ के आसपास टू हाई सेच वेंचर बोस्टन बेस्ड इन्वेस्टमेंट फॉर्म 440 करोड़। तो दोस्तों लगातार वो यहाँ पे हिस्सेदारी बेच के यहाँ पे माल जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉर्गेज लेंडर्स हैज सेड द प्रोसीड विल बी यूज्ड टू बोस्टर द कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, जैसे कि मैंने बताया कि उसको बिल्कुल सुधारने के लिए यहाँ पे वो बहुत बढ़िया तरीके से कैपिटल कर अभी यहाँ पे इंतजाम कर रहे हैं। आफ्टर द लेटेस्ट टैक्स सेल कंपनी हैज राइट टोटल
2493 करोड़। तो दोस्तों धीरे 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 करके उसने लगभग लगभग 2500 करोड़ रुपये यहाँ पे जुटा लिया इन फ्रेश इक्विटी इन सितंबर अक्टूबर, 2 महीने में दोस्तों 2493 करोड़ रुपये की फ्रेश कैपिटल यहाँ पे जुटा लिया। तो मुझे लगता है धीरे धीरे यह करके इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो अपना कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो है वो सुधारने में बहुत ज़्यादा कामयाब होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार आपका कुछ परसेंटेज कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो होना ही चाहिए। तो उसको मीट करने के लिए यहाँ पे लगातार वो कैपिटल जुटाने में लगी है। अभी हम चलेंगे चार्ट पे और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के आगे क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बी विद दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ। यहाँ वी कैन सी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हैज क्लोज 152.10 पैसे ऑन फ्राइडे। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेवल एंड टारगेट फॉर द इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यू कैन सी है दोस्तों कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इज ट्रेडिंग विद इन द रेंज बिटवीन 161 टू 145 लेवल। तो यहाँ पे दोस्तों 145 टू 161 के लेवल के बीच यहाँ पे रेंज है, उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा ट्रिगर चाहिए। तो लगातार ये जो ट्रिगर धीरे धीरे मिल रहे हैं वो अभी इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की खास करके बात करूँ तो। पर मुझे लगता है जब यहाँ पे एडिकेंसी रेशियो अच्छा हो जाएगा और यहाँ पे फिर से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अपना जो बिजनेस है उसको अच्छी तरह से चलाने में कामयाब होगी, क्योंकि अभी तो कैपिटल की जरूरत है। तो अभी ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद है, बिजनेस तो चल रहा है दोस्तों, परंतु कैपिटल की रिक्वायरमेंट जब पूरी होगी तो बिजनेस और अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो मुझे लगता है इफ यू वांट टू मेक द पोजीशन देन यू हैव टू वेट अंटिल इस ब्रेक 161 लेवल। और यहाँ पे अगर 145 का लेवल टूटता है तो नीचे की तरफ 130 का लेवल आ सकता है। 130 के नीचे भी एक लेवल है जो कि अभी आपके साथ जूम आउट करके बताना चाहूंगा। उससे पहले ऊपर की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर 161 का लेवल टूटा तो 175 रुपीज एंड देन 200 रुपीज विल कम वेरी सुन। नीचे बात करेंगे दोस्तों, लेट मी जूम आउट दिस चार्ट सो आई कैन शो यू द नेक्स्ट डाउन साइड लेवल ऑफ द इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 130 टूटता है तो 112 मतलब 112 रुपये के आसपास भी सपोर्ट है। आई डोंट थिंक सो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस विल कम एट दैट लेवल। बट यू इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन इफ यू वांट टू टेक अ पोजीशन कैन टेक पोजीशन अराउंड 145 और आफ्टर ब्रेकिंग 161 लेवल। तो दोस्तों 161 रुपये या तो फिर 145 रुपये के आसपास यहाँ पे आप पोजिशन बना सकते हो। ऊपर की तरफ 161 को ब्रेक करता है तो या नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट होकर 145 के आसपास आता है तो मुझे लगता है बढ़िया यहाँ पे पोजिशन बनाने का मौका होगा। यहाँ पे आरएसआई का लेवल भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे आरएसआई का लेवल 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर 51 का आ रहा है दोस्तों। तो अभी बहुत ज़्यादा ना तो ओवरबोर्ड है ना ओवरसोल्ड है, एकदम मिड टेरिटरी में यहाँ पे आरएसआई का लेवल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई वांट यू गाइस टू डू योर ओन स्टडी एंड देन टेक सम डिसीजन टू इन्वेस्टमेंट। सो आप अपना डिसीजन लेने से पहले अपनी स्टडी बिल्कुल कंडक्ट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इफ़ यू वॉन्ट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट शेयर मार्केट एंड इंट्राडे कॉल्स और स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज डिस्क्रिप्शन बिलो। दोस्तों यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।